तो दोस्तों, जहां मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट थी, वहीं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्ड हुआ और शेयर लॉन्ग बिल्डअप के लिए पूरी तरीके से अपने आप को आज तैयार किया है। और तैयार ऐसे क्या किया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दो चार अहम ट्रिगर हैं इस शेयर के लिए, कैसे क्या है मैं बताता हूँ। पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.55 है, यानी कि अगर देखा जाए तो 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में जब भी कभी आपको PCR मिले, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शेयर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, मतलब कि बुलिश कैंडल फॉर्म कर दिया है शेयर ऑलरेडी। और पिछले कई दिनों से मोमेंटम ऊपर की ओर का देखने को मिल रहा है, ऊपर से अभी भी PCR मात्र 0.55 है। इसका मतलब यह है कि शेयर ऊपर के रनअप के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है और शेयर हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम पेन की बात करें तो 145 का है शेयर, अप्रोक्सीमेटली 149 के आसपास पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो शेयर का जो पेन है उसके ऊपर शेयर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। चलिए मैं ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा कि शेयर क्यों ऊपर की ओर भागना चाहिए, क्योंकि आज सबसे चौंकाने वाली कुछ डाटा निकल के आया है। 182%, जी हाँ, 182% नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 170 के लेवल पे, 25% नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 165 के लेवल पे, 162 के लेवल पे 32% ऐड हुए हैं, 160 के लेवल पे 20% के आसपास ऐड हुए हैं। आप देख रहे हैं, मतलब जितने भी ऐड हुए हैं बड़े बड़े अमाउंट पे ऐड हुए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि 150 से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस है कि शेयर 149 पे आ चुका है। तो जितने प्रीमियम से सारे प्रीमियम खत्म हो चुके हैं, तो लोग वहां से कुछ प्रॉफिट बुक करके ऊपर के कॉल्स बाय करने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको क्लियरली बताया कि PCR मात्र 0.55 है, इसका मतलब ये है कि कोई शॉर्ट करने वाला कोई है ही नहीं, जितने भी हैं वो ऑप्शन बायर हैं जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि ऑप्शन बायर पूरी तरह से एग्रेसिव होकर बाय कर रहे हैं और शॉर्टर को अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ओपन इंटरेस्ट के थ्रू ये तो क्लियरली पता चला है कि शेयर अगर एक बार 150 के ऊपर निकलता है तो फिर 170 का लेवल आराम से शेयर दिखा सकता है। चलिए बाकी के चीज़ देख लेते हैं। बाकी के ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो क्यों हो रही है, तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो आप सभी को पता है कि बहुत सारी जगहों पर पावर कट भी हो रहा है, जो इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर का जो डिमांड है वो ज़्यादा है, अब पावर उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हाई है अभी के समय पे। और उस वजह से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है उसको भी हाइक करने का फैसला लिया हुआ है। अगले एक महीने में शायद आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक होता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि इन शेयरों के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन शेयरों के लिए अच्छी बात है क्योंकि उनके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे और उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। चलिए अब आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट के थ्रू क्या टारगेट निकलते हैं वो भी बता दूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि 150 का लेवल बहुत ज़्यादा अहम लेवल है, क्योंकि अगर शेयर एक बार 152 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे फिर देख लीजिए आप 170 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि शॉर्ट करने वाले कोई है ही नहीं, बस शेयर को एक हल्का सा पुश चाहिए ऊपर की ओर जो 152 का है। एक बार शेयर 152 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिले उसके बाद आप क्लियरली समझिए कि शेयर 170 का लेवल आपको दिखा देगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार और तो अच्छे से समराइज कर दूं। PCR जगह तो 0.55 है, एक बहुत अच्छा कंफर्ट आपको दिला रहा है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 150 से 170 के बीच में बहुत ज्यादा कॉल बायर बैठे हुए हैं, मतलब कि एग्रेसिव कॉल बायर बैठे हुए हैं, शॉर्टर है ही नहीं। तो ये दूसरी अच्छी खबर है कि 150-170 पे है। तीसरा, शेयर ऑलमोस्ट अपने असिस्टेंस के पास, ऊपर की असिस्टेंस के पास है, तो एक बार ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और चौथा, पावर की जो डिमांड है वो ऑलरेडी हाई है। तो ये सारी चीज़ को फैक्टर निकाल के देखें तो इस शेयर को होल्ड करना मार्च और अप्रैल के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर मार्च और अप्रैल का ऑप्शन बाय करके रखिए, क्योंकि ये शेयर हो सकता है एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के दे सकता है मार्च और अप्रैल में ऑप्शन के थ्रू। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।